कोरोना वायरस का सामना पूरी दुनिया के लोग कर रहे हैं, साथ ही इससे बचने के लिए कई देशों में जबरदस्त तरीके से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कोरोना वायरस से लोगों को बचाया जा सके। वहीं कई देशों में लोगों को सरकार की तरफ से कई ऑफर दिए जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग जाकर वैक्सीन लगवाएं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन लालचों में नहीं आते हैं और वैक्सीन नहीं लगवाते हैं। उनके लिए सरकार ने वैक्सीन लगवाओ और लकी ड्रॉ पाओ निकाला है, जिसमें सरकार के कहने पर वैक्सीन लगवाने पर एक लड़की करोड़पति बन गई। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने टीकाकरण अभियान में द मिलियन डॉलर वैक्स अलायंस लॉटरी सिस्टम की शुरुआत की, जिसमें जोहान जू नाम की युवती ने सरकार के अनुरोध पर वैक्सीन लगवाई, जिसमें इस लड़की की मिलियन डॉलर की लॉटरी लग गई, जो कि भारतीय रुपयों में लगभग 7.4 करोड़ रुपए है। आपको बता दें कि इस लकी ड्रॉ में लगभग 30 लाख लोग शामिल थे, जिसमें जोहान भी शामिल थी। गौर करने वाली बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली जोहान उन लाखों में से एक है जो सरकार के अनुरोध पर कोरोना का टीका लगवाकर करोड़पति बनी है। जोआन को इस बड़े इनाम के मिलने के बारे में जानकारी नहीं थी। इतना ही नहीं, उनके पास लॉटरी अथॉरिटीज से पहली बार जब कॉल आया तो वह किसी काम में व्यस्त थी, जिस कारण उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया था। फिर बाद में दोबारा कॉल आने पर उन्हें इस इनाम की जानकारी मिली। वहीं लकी ड्रॉ चेक मिलने के बाद जोआन ने कहा कि वह उन रुपयों से घर वालों के लिए तोहफे खरीदेंगी और भविष्य के लिए निवेश की योजनाएं बनाएंगी। फिर वह आगे कहती हैं कि अगर चाइनीज न्यू ईयर के लिए बॉर्डर खुलते हैं तो मैं अपने परिवार के साथ फर्स्ट क्लास टिकट पर हवाई यात्रा करना चाहती हूं और 5-स्टार होटल में स्टे करना चाहती हूं। जीवन सुरक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने सही कदम उठाए। इसी बहाने सिर्फ वैक्सीन लगवाने से एक व्यक्ति करोड़पति बन गया। अगर आपने भी अपना कोरोना का टीका नहीं लगवाया है तो आज ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं और जल्द से जल्द अपना कोरोना का टीका लगवाएं, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया सरकार की वैक्सीन लकी ड्रॉ स्कीम पर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट्स के लिए बने रहे द वोकल न्यूज हिंदी के साथ।